हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसे हिंदी में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, देश की सेवा हर कोई करना चाहता है और देशभक्ति हर भारतीयों के अंदर कोट कोट कर भरा है और देश की सेवा करने के लिए हर पल तैयार भी रहते हैं। यदि आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में जाकर देश की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए आपको CDS का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। CDS के एग्जाम के लिए आपका मैथ्स और साइंस स्ट्रांग होना जरूरी है। दोस्तों, ये एग्जाम बहुत ही रेपुटेड होता है, CDS यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा। लेकिन इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली छवि उभर कर आती है वह यह कि देश में होने वाला सबसे कठिन एग्जाम में से एक है, जिसमें बैठना भी कई स्टूडेंट्स का सपना होता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करते हैं, उसमें बैठते हैं, लेकिन कुछ का ही इसमें सिलेक्शन हो पाता है। आपको बता दें कि UPSC द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है। एग्जाम साल में दो बार लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे CDS क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और CDS की पूरी कहानी समझते हैं। इस वीडियो में CDS से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आपको मिलने वाली है, जैसे CDS क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, सिलेबस क्या है, ट्रेनिंग कितने महीनों की होती है, CDS की तैयारी किस बुक से करें और लास्ट में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं CDS क्या होता है। दोस्तों, CDS का एग्जाम UPSC कराती है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह एग्जाम साल में दो बार आयोजित की जाती है, मतलब आप इस एग्जाम को साल में दो बार दे सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके पास साल में दो बार एग्जाम में बैठने का मौका होगा। आपको बता दें कि CDS के अंतर्गत इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी आती है। CDS एग्जाम के थ्रू ही आप तीनों में से किसी एक में जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि CDS आर्म फोर्सेस को अपने करियर के रूप में चुनते हैं। इस ट्रेनिंग में छात्रों को फ्यूचर में युद्ध क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार करती है, जो हमें उन सभी प्रकार के बाहरी खतरों से बचाती है जो भारतीय सीमा पर मंडराते रहते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इस एग्जाम के जरिए आप भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों विभाग में ऑफिसर्स की भर्ती होती है। ठीक उसी तरह से तीनों में भर्ती के लिए भी अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, इंडियन नावल एकेडमी के लिए ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए 12th विथ BCM साथ ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी याद रखें कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं वो भी CDS का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, CDS एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एज लिमिट का प्रावधान किया गया है, मतलब CDS के लिए आयु सीमा पोस्ट वाइज अलग अलग होती है। जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए कम से कम 19 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए कम से कम 19 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष, एयरफोर्स एकेडमी के लिए कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। तो वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मतलब OTA के लिए SSC में और नौसेना के लिए कम से कम 19 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स में कम से कम 19 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले इसमें एग्जाम को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले रिटेन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू। दोस्तों, पहले रिटेन एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। दरअसल इसमें तीन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं और तीनों एक ही दिन में अलग अलग समय में लिया जाता है। इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। अब जान लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन नंबर और कितना टाइम मिलता है। इंग्लिश की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 और मार्क्स होता है 100 और टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का। वहीं जनरल नॉलेज में क्वेश्चन 120 होते हैं, मार्क्स 100 का होता है और टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का। वहीं मैथमेटिक्स में क्वेश्चन 100 होते हैं, मार्क्स भी 100 होते हैं और टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का। अगर OTA की बात करें मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गर्ल्स सिर्फ OTA में जा सकती है और बॉयज़ तो जाते ही हैं, तो इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक इंग्लिश और दूसरा जनरल
नॉलेज। तो दोस्तों इसमें भी सेम प्रोसेस है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन होते हैं 120 और मार्क्स होता है 100 का और टाइम मिलता है 2 घंटे। तो वहीं जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन 120 होते हैं, मार्क्स 100 का होता है और टाइम मिलता है 2 घंटे का। दोस्तों एक बात याद रहे कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो एग्जाम देते वक्त इसका ध्यान जरूर रखें। दोस्तों ये तो बात रही रिटेन एग्जाम की, लेकिन अब बात कर लेते हैं एग्जाम के दूसरे चरण की यानी इंटरव्यू की। दोस्तों इसमें उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो रिटेन एग्जाम पास कर लिए होते हैं। इंटरव्यू में आमतौर पर जनरल नॉलेज, सभी विषयों पर आधारित क्वेश्चन और कैंडिडेट के व्यक्तिगत जीवन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। इसके बाद जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों फिजिकल टेस्ट में स्टूडेंट्स का मेंटली और फिजिकली फिट होना जरूरी है। इसमें कई तरह के फिजिकल टेस्ट होते हैं। सीडीएस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैंडिडेट का हाइट और वेट का आकलन किया जाता है। हालांकि आर्मी और एयरफोर्स के लिए इसका मानक अलग अलग तय किया गया है और नेवी में अलग प्रक्रिया है। दोस्तों अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें तीनों के लिए अलग अलग मांगी जाती है। जैसा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 157.5 सेंटीमीटर, इंडियन नेवल एकेडमी को 157 सेंटीमीटर, एयरफोर्स एकेडमी को 162.5 सेंटीमीटर मांगी जाती है। दोस्तों वैसे तो इसमें हाइट में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहां के कैंडिडेट को छूट मिलती है, तो वो सिर्फ आर्मी और नेवी में हाइट रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे गोरखा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गढ़वाली, कुमाऊं 5 सेंटीमीटर मिलता है इसमें, लक्षद्वीप वाले को 2 सेंटीमीटर मिलता है। यानी कि अगर आप गोरखा हैं तो फिर भारत के नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। साथ ही ये भी याद रहे दोस्तों, ये छूट सिर्फ आर्मी और नेवी में मिलेगी, जबकि अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको हाइट में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आप फिजिकली फिट होते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईयर, नोज, टोंग, आई टेस्ट, सर्जिकल एग्जामिनेशन, आई एंड डेंटल, जनरल मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों किसी भी एग्जाम को आप तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता हो। सिलेबस किसी भी एग्जाम का मेन पॉइंट होता है। दोस्तों इस एग्जाम में आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। इस एग्जाम में आपसे सीडीएस परीक्षा के लिए कैंडिडेट को कई विषयों का समावेश करना होता है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन, एरर करेक्शन, स्पेलिंग एंड वर्ड चॉइस फॉर फ्रेजिंग, ट्रांसलेशन, सेंटेंस टाइप, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स एटसेट्रा। वहीं जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें सामान्य जानकारी विषयों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, जनरल साइंस एटसेट्रा। वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, लॉजिक, इंटरेस्ट एटसेट्रा। इसके बाद जानते हैं ट्रेनिंग कितने महीनों की होती है। दोस्तों जैसा कि अब तक आप समझ चुके हैं कि इसमें तीनों सेनाओं में भर्ती होती है, इसलिए इसकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी अलग अलग है, मतलब तीनों में ट्रेनिंग का टाइम भी अलग अलग है। तो चलिए जानते हैं तीनों की ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर क्या है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो इसमें 18 मंथ की ट्रेनिंग होती है, तो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 37 से 40 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए 24 मंथ की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद जानते हैं सीडीएस की तैयारी किस बुक से करें। सबसे पहले पाथफाइंडर्स फॉर सीडीएस, द पर्सन गाइड टू द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बाय अरिहंत एक्सपर्ट, सीडीएस एग्जाम गाइड, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बाय आरपीएच एडिटोरियल बोर्ड, मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस इंट्रेंस एग्जाम आरएस अग्रवाल, जनरल नॉलेज मनोहर पांडे, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एसपी बक्सी। कुछ और महत्वपूर्ण बुक्स जो सीडीएस परीक्षा की तैयारी में उपयोगी हो सकते हैं वे हैं सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम गाइड बाय डेटासन आरपी, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज लुसेंट पब्लिकेशन, सीडीएस चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज सॉल्व पेपर्स अरिहंत एक्सपर्ट। इसके बाद जानते हैं एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों सीडीएस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाएं। आपको एक अनुकूल और टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है। टाइम टेबल में आप सभी सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम दीजिए ताकि सभी विषयों की तैयारी अच्छे से हो सके। सभी चैप्टर को अच्छी तरीके से समझिए। आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको अधिक समझ मिलेगी कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कौन से क्षेत्रों में आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है, यह सब पता चल जाता है। ग्रुप स्टडी कीजिए, क्योंकि ग्रुप स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीरियस परीक्षक में आंसर देने के लिए अधिक समय नहीं होता है, इसलिए जल्द से जल्द आंसर देना सीखें। वहीं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ताकि पिछले वर्षों के पेपर को समझने में आपको इस परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों की विस्तृत जानकारी मिलेगी।
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।